दोस्तों हमने ना अपने तोतों के पिंजरों की ना सेटिंग कर दी है वहाँ, उस साइड पे था, इस साइड पे हम ले आए हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर, ये हमारे चिक्स भी दिखा देते हैं यार आपको। माशाल्लाह बहुत यार, माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, माशाल्लाह जरूर कर देना भाई। ये हमारे पौधे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक हो दोस्तों? आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आया। यार मेरे ना मंथली टेस्ट नहीं, वो जो टेस्ट होते हैं साल के आखिर में, एक दो महीने पहले टेस्ट होते हैं, वो हो रहे थे यार। मसरूफ़ था मैं बहुत यार। इस बीच में हमारे ना दो तीन कबूतरों का नुकसान हो गया। शिकरा आता है ना, शिकरा आप पिक्चर आप थंबनेल पे देख भी ली होगी आपने, उसने ना यार बहुत नुकसान कर दिया। हमारे तीन कबूतर नहीं, दो कबूतर खा गया है। हमारा वो जो वाइट वाला कबूतर, वाइट एंड ब्लैक कबूतर था, शराजियों में से था, वो यार हमारा भाग गया है। पता नहीं कहाँ भागा है, इस छत पे मैंने देखा था, अब पता नहीं, अब यहाँ पे नहीं है, कभी नज़र भी नहीं आया है। हफ्ता दो डेढ़ हफ्ता होने वाला है, दो हफ्ते बल्कि डेढ़ हफ्ता तो गुजर गया है। ये चार कबूतर बच गए हैं हमारे यार, चार कबूतर, एक जोड़ा और एक लक्का और एक बच्चा, चार भी नहीं, 3.5 कबूतर कह सकते हैं यार। मुझे बहुत ना बुरा भी लग रहा है। शिकरा यार ये देखो, यहाँ पे हमने दाना डाला हुआ था, कबूतर आए हुए थे यहाँ पे, पता नहीं किसके थे, ये दो कबूतर थे मेरे ख्याल से, बच्चे थे इसलिए मैंने कहा पकड़े जाएंगे। मैंने यहाँ पे रोटी डाली है, कबूतरों को यहाँ पे दीवार पे बिठा दिया है, तो वो कबूतर आए, मैं पकड़ने वाला था। अच्छा, चिड़िया बैठी थी यहाँ पे। हाँ यार यहाँ पे ना एक मैना की है ना, वो बैठी थी, उसको ना शिकरा उसके पीछे आया है काफ़ी दूर से। मैं बताऊँ, मैना आ रही थी, मैना आके बैठ गई, शिकरे ने उसको देखा हुआ था, शिकरा उसका पीछा कर रहा था, शिकरा आया उसको पकड़ने लगा था। मैंने कबूतर बिठाए हुए थे यार, कबूतर फिर वो कबूतर आया, मैंने फिर फड़ छेड़ छे एक कबूतर आया था वहाँ से, मैंने ऐसे पैर मार के फिर वहाँ पे बिठा दिया भाई, छेड़ी करी भाई वो भी आ जाए, फिर दाना डाला। और दाना डालने से पहले ना वो शिकरा उसको ले गया सारे कबूतरों को आगे। अच्छा मैं ये हमारे ना ये देखो, दो एक ये कबूतर था, दो ये थे, ये बच्चा था, ये इससे ना ऊपर मैंने खुद नहीं बिठाया, मैंने कहा नीचे गली में गिर गया बिल्ली, और गिर गया बिल्ली खा जाएगी, तो फिर यार यार बड़ा बुरा हुआ यार, हमारा कबूतर शिकरा ले गया यार। मैं बताता हूँ कैसे शिकरा ले गया, कबूतर सारे मेरे इस पीछे वाली साइड पे भागे, मैं आपको बताता हूँ, पीछे वाली साइड पे भागे। ये एक लक्का, इसे उड़ा नहीं जाता, आपको पता होगा अगर आपने कबूतर पाले में, लक्के इनसे उड़ा नहीं जाते यार, ये मतलब उड़ान वाले कबूतरों की तरह नहीं उड़ते। ये तो चलो था, बुब्बाजी वाले कबूतर हैं हमारे ना। ये लक्का जो था ना, ये ना था कार के, थोड़ा सा उसको इसको भगाया शिकरे ने, ये बैठ गया शिकरा, इस वजह से नहीं इसको पकड़ा, क्योंकि तीन चार कबूतर उसको मिल जाते अगर ये इसके पीछे आता ना आता, तो वो आगे चला गया काफ़ी आगे, मगरिब के क्या नाम है, जोहर असर के टाइम ना ये हमारे कबूतरों को ले गया, लक्का आ गया। और ये जो असील कबूतर था ना, ये मगरिब के टाइम ना काफ़ी दूर से आया, और ये तो भाई पूरी रात उड़ती रही है, दो कबूतरों को वो खा गया है, नहीं दोनों को नहीं पकड़ा, एक को पकड़ के खा रहा था, वो आसमान में पकड़ लिया था, हम देख रहे थे। और ये जो दूसरा कबूतर था वो बहुत आगे उसके डर से निकल गया, बहुत आगे आपकी सोच होगी। और ये कबूतर हमारा ना मादी, असील की मादी, सुबह टाइम आ गई थी, दोपहर मैं स्कूल था तो बाबा ने बंद कर दी, बाबा दाना डालने आया था यहाँ पे, आई हुई थी, बैठी थी पिंजरे, कोई इंतज़ार कर रही थी भाई पिंजरा कोई खोला ना, अंदर जाऊँ, फिर बाबा ने ना अंदर करा इसको, चलो यार शुक्र है बाबा। वो क्यों नहीं आई, हमारी माँ ब्लैक और वाइट कलर मिक्स कलर का दिखाई भी थी, मैं सोच रहा था असील उसका ना पेड़ लगाएं, दो की मादी के लिए और नर ले आए और इसके लक्के के लिए भी और मादी ले आए, मैं ये सोच रहा था।
यार हमारे ना इसे पट्ठा पट्ठा मैंने आपको दिखाया था, इनका पट्ठा था इससे बड़ा था, ये फीमेल मुझे लगती है, इससे बड़ा था, ब्राउन से मिक्स कलर का था, ब्राउन लाल पता नहीं कुछ कलर समझ था, बहुत प्यारा। उसकी आपने वीडियो में देखा गर्दन की कुरीज पूरी हो रही थी, तो फिर यार जब हुई मैं आया इतवार वाले दिन, वाक्य हुआ ये, अब तो है जुम्मा, है जुम्मा, हाँ जुम्मा। यहाँ पे मैं आया था सुबह टाइम, इनको मैं नानो के गया हुआ था, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं ना यार सुबह टाइम ना 9 बजे आया था, मैंने कहा जल्दी दाना डाल दूँ फिर वापस भी तो जाना है, धूप हो जाएगी ना, पैदल मैं आया था, फिर मैंने कहा पैदल ही जाऊँ, वॉक भी हो जाएगी सुबह सुबह। मैं आया दाना डाला, मैंने कहा कबूतरों को बाहर खोलते हैं थोड़ी देर, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए थे मुझे खोले हुए कबूतरों को और मुर्गियों को। पहले मैंने मुर्गियों को थोड़ा सा यहाँ पे दाना वगैरह खिलाया, तो उनको मैंने खिला के ना बंद कर दिया कबूतरों को, स्पॉटर बंद। जब आपको पता होगा अगर आप कबूतर उड़ाते वगैरह हैं या कबूतर रखे हुए कबूतरों का शौक करते हैं, आपको पता होगा कि ना जब कबूतरों की क्रीज वगैरह पूरी होती है, पर नए निकलते हैं, पाख होते हैं, तब ये ना अपनी मस्ती में स्पॉटर हो के उड़ते होते हैं। तो वो ना वो उसका बाप और वो जो मादी भा उड़ गई है, मतलब किसी ने पकड़ लिया, वो 3 कबूतर यार इतनी ऊंचाई हुए थे, आपकी सोच है नजर आ रहे थे। मैंने ना मज़े मज़े में यार बता दिया, मतलब पेट भी नहीं रही यार, बात मैंने फैला दी। अच्छा फिर ना मेरे ना यार शाम को मैं फिर आया, मैंने कहा खोलूँगा, 2 टाइम वैसे मैं खोलता हूँ। हाँ यार यहाँ पे क्या नाम है उड़ रहे थे, बस शाम को मैं आया था ना, फिर ना बस शाम को ही उनका शिकरा ले गया इतना दूर। मैंने ना जब वो मतलब एक मेरा लक्का बैठा था और बच्चा तो यहाँ पे बैठा हुआ था, बच्चा मैंने खुद नहीं ऊपर भेजा, बच्चा तो बल्कि डर जब शिकर आया डर के मारे ऊपर ही नहीं गया, पीछे घुस गया भाई मुझे ना पकड़ ले। फिर यार ने कहा चलो आग में गलत है यार, अगर का भी गया मैं ना फुल यार रोने लगा। मैंने कहा चल यार भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया, चलो खैर हमारे 3 कबूतरों का तो असल में नुकसान हुआ है। लक्का सामने हुआ था जब वो सील को वो बहुत आगे ले गया था ना शिकरा, यार सांस बंद हो गया था मेरा। मैंने कहा चल भाई अब कबूतर भी नहीं घर वाले रखने देंगे, और मैंने बिस्मिल्लाह कुर्सी पे उनको फूंक दिया, असील आ गई उसकी मादी, एक जोड़ा आ गया फिर, और 2 कबूतर यार मुझे बहुत दुख हुआ है, नए नए उनके पर निकले थे, कुरीज उनकी ख़त्म हुई थी यार, मुझे अभी भी सोच सोच के ना, उसका जो बच्चा था ना मेल था माशाल्लाह से, ऐसे गुटकता था जैसे कोई अपने बाप का भी बाप था वो। मैंने एक भी दिन ना वो यार मैंने ना ऐसे ऐसे मैं जैसे ट्रेन करते हैं यहाँ पे बिठाए हुए थे सुबह, मैंने ना ऐसे माशाल्लाह ऐसे 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 करा था ना, तो भाई वो कैसे उड़ रहे थे वो मुझे ही पता है, बड़ा यार इतने प्यारे लग रहे ना उड़ते, अपने मर्जी से उड़ रहे थे। तो यार बस अब यही थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हमारे चैनल एफएम पेट हाउस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलेंगे कल, अभी के लिए जल्द अल्लाह हाफिज़। यार दुआ कर ज़रूर कर लेना कि ना हमारी मादी आ जाए, नर भी आ जाए वापस वो जो था, यार दुआ करना, दुआ तो कर सकते हैं अब हम, अब वापस तो नहीं ला सकते, अब इंशाल्लाह और कबूतर लाएंगे। पहले यार मैं अब ना कबूतर रखते हुए डर लग रहा है, मैंने कहा इनको बिल्ली वगैरह खा गई, फिर यार अगर हमारा मैंने हिसाब लगाया एक भी कबूतर मरता मुरता बच्चे बुच्चे अंडे उंडे कुछ भी ना होता ना, हमारे पास 33 कबूतर थे, 33 में से आप खुद हिसाब लगाओ 33 में से 4 कबूतर बचे, यार बड़ा नुकसान हुआ हमारा। तो बस अभी